अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे आपको मैं पहले एक वीडियो में दिखाई थी कि मैंने वेजिटेबल्स सब रेडी किया है बिस्सी बेड़े बात के लिए, लेकिन अनंतपुर जाने की वजह से हमने नहीं बनाया था, तो आज मैंने इसको मॉर्निंग में नाश्ते में बनाई हूँ। ये देखिए कितना मस्त था ना बिस्सी बेड़े बात आज का। ये देखिए मैंने डी मार्ट से लेकर आई हूँ, यही सोफ़ा कवर्स है। और इसके अलावा जो है मैट जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैट भी मैंने डी मार्ट से ही लिया है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे कुछ सेट नहीं हो रही है जो सोफ़ा कवर हैं, इन सोफ़ाज़ के लिए मुझे कलर्स अच्छा नहीं लग रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे बस एक ही सेट था, तो बस एक बार ट्रायल के लिए मैंने इसी को ख़रीद लिया था। बस कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे देखिए डी मार्ट जब मैं गई थी तो इनको लेकर आई हूँ। ये जो है 5 पीस का सेट है, ये आई थिंक 110 करीब था, और ये 4 पीस का सेट है। इनमें जो है आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, इससे जो है वेजिटेबल्स सब कुछ फ्रेश होंगे। देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कपड़े हैं, सबको धोना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये है ना कि हमारा जो धोबी है वो नहीं आया है, इसकी वजह से जो है इतने सारे कपड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े डाली हूँ, लेकिन इतने भी मैं अकेली नहीं धो पाऊँगी, तो देखती हूँ हो सके तो मैं जितना मेरे से हो पाएगा उतना धोऊँगी। और देखती हूँ धोबी अगर आएगा तो उसको दूँगी, अगर नहीं तो कल या परसों जो बचेंगे उनको धो लूँगी। देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है मशीन का कितना गंदा हुआ है। एक्चुअली मैं घर पे नहीं थी ना, तो मैं ये सब कुछ साफ़ नहीं की थी, इसलिए ऐसा हुआ। ये नमकीन काजू टाइप बिस्किट से कितने मस्त है पता है आपको, बहुत प्यारे हैं। किस किस को ऐसे अच्छा लगता है कमेंट करके बता। शुक्र है कि आज धोबी खुद आ गए था। जैसे मैंने भी थोड़े कपड़े धोए थे, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने भी मतलब हमारा जो धोबी था वो भी आ गया लेके जाने के लिए। तो ये देखो उसकी तैयारी कर रहे हैं कपड़ों की, तो मैंने भी कुछ धोए हुए हैं यहाँ पे। मैं ये भी लेके जाने के लिए सब रेडी कर रहे हैं, और जो हमने पहले भी दिए थे इनको वो भी लेकर आए हैं। ये नीचे हैं वो, और उसको भी वो ये इस्त्री के साथ लेकर आते हैं, इसलिए हम लोग डालते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो धोए थे वो है, ये जो है उन्होंने धो के लेकर आए हैं। इनको देखो ऊपर बैठने के लिए कहते हैं तो भी नहीं बैठते हैं, ये वहीं पर बैठते हैं। ये देखो अब्बा को पूरी खाना था, तो हमने अम्मी और मैंने यहाँ पर पूरी बना रहे हैं, पूरी दाल की पूरी है ये। एक्चुअली क्या है ना कि विलेजेस में इनको ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ये जो है उनको खाना था, तो बस यहाँ पे वही बना रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो ये देखो इस टाइप के आपके घर पे भी बनाते हैं क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज हमने भी घर पे बनाया है, और घर पे हमारे घर पे जो रेंट पे रहते हैं उन्होंने भी हमें दावत दी है कि उन वो एक्चुअली जो हिंदूस होते हैं उन वो भी दावत में पूरी ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं, पूरी राइस हो। चलो देखते हैं उनके घर पे भी आज अगर मैं दावत में दोपहर में लंच में लंच के लिए जाऊँगी, तो अगर हो सके तो वीडियो बनाकर ज़रूर आपको यहाँ पर मैं वो भी दिखाऊँगी। देखो यहाँ पे मैं दावत के लिए आई हूँ, तो मुझे खाने में ये इतने कितने छोटे छोटे पूरी बनाए हैं। ये देखो साथ जो है जो मूंग दाल चाट होती है वो, और आलू की चाट वो दिया है उन्होंने। रेंट पे है ना, उनके नीचे के घर में है ये सब। यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब्बा भी खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये वो लेमन राइस दिया था हमें खाने के लिए, और ये दाल का चार बोलते हैं इसको, और वाइट राइस भी दिए थे ये। इसके साथ ही दही और अचार और घी ये सब कुछ भी उन्होंने दिया था हमें। अभी 15 डेज़ के बाद हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो ये मुझे ये साड़ी दिलाए हैं। इसमें का ब्लाउज़ है ये, यही ये साड़ी है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था ये। ये बहुत पतला था, क्वालिटी वाइज तो ये उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। यहाँ पे देखो अम्मी ने जो है जो रोज़ दही के ऊपर का जो मलाई था उसको निकाल के ने स्टोर करके रखते थे, उसमें अभी घी बनाए हुए हैं। देखो घी बनने के बाद जो है ऐसे दिखता है। और इसके अलावा जो है हमने ये ना थोड़ी देर बाद फुल येल्लो कलर में आ गया था, मतलब इसका गाढ़ापन भी ज़्यादा हो गया था ये। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। ये देखो इतना सा ही हुआ था, एक 1 वीक का था ये।
डिनर में अम्मी ने जारी जो है जारी की रोटी और मटकी फली का चाकना जो बनाए थे, इसको मैं हिंदी में नहीं उर्दू में बोल रही हूँ आपको तो क्योंकि हिंदी में मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं मटकी फली को। बस इतना ही था आज के लिए, चलो चलते हैं, आज का जो व्लॉग है मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।